और अयोध्या में रेप के आरोपी का एनकाउंटर, मुठभेड़ के बाद आरोपी सलमान गिरफ्तार, 4 साल की मासूम के साथ रेप का आरोप। दिल्ली के गोगुलपुरे में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां हत्या के आरोपी को पुलिस ने घायल किया है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी। कर्नाटक में बीच सड़क पर एक शख्स पर हमले का आरोप, लाठी डंडों से की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में आज हावड़ा में बड़ा विरोध प्रदर्शन, हजारों छात्र कॉलेज स्क्वायर से लेकर राज्य सचिवालय तक करेंगे मार्च, अलर्ट पर बंगाल पुलिस। हावड़ा में मार्च को लेकर अलर्ट पर है प्रशासन, कई जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। कोलकाता में भी मार्च को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस ने कई जगहों पर लगाए बैरिकेड्स। दार्जिलिंग में नबरना मार्च को लेकर यूजीसी नेट अभ्यर्थियों को परेशानी, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतों का सामना। गुजरात में भारी बारिश से निचले इलाके जलमग्न हो गए, 3 लोगों की मौत, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू अभियान। और गुजरात में बारिश को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की, हालातों को देखते हुए बंद किए प्रशासनिक स्कूल। गुजरात के गांधीनगर में बारिश से बिगड़े हालात, कई जगहों पर बनी जलभराव की समस्या, सड़कों पर धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। गुजरात के अरवली में भी जलभराव की समस्या, सड़कों पर जमा पानी, स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, गुजरात के अहमदाबाद में जमकर बरसे बादल, वैष्णो देवी अंडर ब्रिज में भरा पानी, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। गुजरात के कच्छ में बाढ़ में विकराल रूप ले लिया, भारी बारिश के बीच कई इलाकों में डेरा डालने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यूपी के सीतापुर में नहर में कटान के बाद बाढ़ के हालात बिगड़े, जहां जिलाधिकारी ने नहर के बांध की मरम्मत के लिए निर्देश दिए, ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने को कहा। और हिमाचल में बारिश मचाएगी तबाही, मौसम विभाग ने शिमला और सिमनौर में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है, आज और कल भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र के जलगांव में कुदरत के कहर की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां गिरना नदी में पानी के तेज बहाव में बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से मची तबाही, राजगढ़ इलाके में मां और 2 बच्चे पानी में बहे, इलाके में बचाव अभियान जारी। राजस्थान के धौलपुर में जल भराव से सड़क पर बने गड्ढे, धौलपुर करौली हाईवे पर ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली पलटे, जहां घंटों तक जाम लग रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में पुलिस का एक्शन, मूर्ति बनाने और लगाने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के सिद्धार्थनगर में थाने का एक हिस्सा निकला अवैध, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, कार्रवाई के दौरान प्रशासन और पुलिस के बीच कहासुनी भी हुई। नोएडा के सेक्टर 72 में पार्किंग में भिड़े 2 पक्ष, मामूली विवाद के बाद सड़क पर जमकर हुआ हंगामा, गाड़ी में तोड़फोड़। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में हादसा हो गया, जहां दिल का दौरा पड़ने की वजह से नाले में गिरा रिक्शा चालक, मौके पर मौत। यूपी के रायबरेली में गड्ढे में डूबने से 2 लोगों की मौत, गुस्साए लोगों ने भट्टा संचालक पर कार्रवाई की मांग की, ईंट भट्टे के लिए खोदी गई थी मिट्टी। यूपी के सीतापुर में ग्राम प्रधान की लापरवाही आई सामने, खराब रास्ता होने के कारण ग्रामीण हुए परेशान, शिकायत करने पर भी नहीं हुई कार्रवाई। यूपी के सीतापुर में गोमती तट पर डूबते युवक को पुजारी ने बचाया, नदी के तट पर स्नान के दौरान फिसला था 23 साल के युवक का पैर, वीडियो वायरल। यूपी के बहराइच में बात नहीं मानने पर पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, खुद पी लिया जहरीला पदार्थ, दोनों की हालत गंभीर, इलाज जारी। और यूपी के बहराइच में पैदल जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। यूपी के
के बहराइच की करेंगे, जहां पर एक आदमखोर भेड़िए का आतंक देखने को मिला है। आपको बता दें कि एक महीने में आधा दर्जन लोगों को अपना निशाना बना चुका है ये भेड़िया, आदमखोर भेड़िया, और इसी से लोग दहशत में। अब आपको बताते हैं कि देखिए बहराइच की महसी तहसील में डर का माहौल है वहां पर, और लगभग एक महीना हो चुका है, लगभग आधा दर्जन लोगों को अपना निशाना ये भेड़िया बना चुका है, और इसी वजह से लोग दहशत में हैं कि आखिर क्या होगा। उसको पकड़ने की कोशिश लगातार चल रही है, लेकिन वहां पर हालात खराब है। महिलाओं को अपने जबड़े में दबाकर ले जा रहा है ये आतंकी भेड़िया, आदमखोर भेड़िया। वहीं आपको बता दें कि किस तरीके से वहां आसपास के जो लोग थे उन्होंने उन महिलाओं को छुड़ाया और जैसे तैसे बचाया, लेकिन फिर भी 6 लोगों को अपने जबड़े में दबाकर ले गया। और जिस महिला को छुड़ाया था, जो जानकारी मिली वो ये कि अस्पताल में इलाज के दौरान उस महिला की मौत भी हो गई। तो देखिए किस तरीके से ये आदमखोर भेड़िया जो बहराइच में अपना आतंक मचाया हुआ है, लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये आदमखोर भेड़िया एक महिला को अपना निशाना बनाया और भी कई लोगों को निशाना बनाया। आसपास के लोगों ने जब छुड़ाने की कोशिश की, जैसे तैसे उस महिला को छुड़ाया, और जब अस्पताल पहुंची तो अस्पताल में उस महिला की मौत हो गई। अगली खबर के लिए चलेंगे अंजलि के पास। तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार जारी, और एक महीने के अंदर भेड़ियों ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। इलाके में लगातार इस तरह की दहशत का माहौल बना हुआ है। इसी से जुड़ी हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। इस आवाज ने पूरे इलाके में दहशत फैला रखी है। ऐसी दहशत के दिन का चैन और रात की नींद छिन गई है। लोग हाथों में लाठी डंडे ही नहीं बंदूकें लेकर पहरा दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला ये हम आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले आप इन ग्रामीणों को सुनिए कि किस तरह से गांव हो या कस्बा हो, हर जगह डर का माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक छाया हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। भेड़िए बेखौफ होकर खेतों में ही नहीं रिहायशी इलाकों में घूमते दिखाई दिए। मासूम हो या फिर महिला, आदमखोर भेड़िए हर किसी को अपना निवाला बना चुके हैं। आदमखोर भेड़ियों के हमले में अभी तक अलग अलग गाँव में 5 मासूम समेत 7 की जान जा चुकी है। लोगों में खौफ है, बच्चे हो या बुजुर्ग डरे हुए हैं, क्योंकि कब आदमखोर भेड़िए किसे अपना शिकार बना ले। यही वजह है इन आदमखोर भेड़ियों की दहशत की वजह से लोग दिन रात पहरा दे रहे हैं। अपने परिवार को बचाने के लिए दिन का चैन और रात की नींद खो दी है। लोग रात में टॉर्च और लाठी डंडे लेकर गश्त कर रहे हैं। 3 भेड़िए हम लोग पकड़ चुके हैं और 3 और भेड़िए हैं जो कि हम लोगों ने लोकेट किए हुए हैं, उसको भी बहुत जल्दी हम पकड़ लेंगे। और पब्लिक अवेयरनेस का जो कार्यक्रम है, वहाँ पे हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे कंजर्वेटर, हमारे डीएफओस, हमारी पूरी टीम लग करके पब्लिक अवेयरनेस की कार्यक्रम यहाँ पे चला रही है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जितना वन विभाग सपोर्ट कर रही है, लोगों को स्वयं की भी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। गांव हो या कस्बा हो या फिर शहर, हर जगह डर का मंजर बना हुआ है। आदमखोर भेड़ियों से दो दो हाथ करने के लिए लोग ही नहीं, बहराइच के विधायक जमीन पर उतर आए हैं। लोगों के साथ बंदूक लेकर इलाकों का जायजा ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, यही नहीं गांव में बंदूक और टॉर्च लेकर गश्त कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों को तो हम यही संदेश दे रहे हैं और हर गांव में माइक भी बज रहे हैं।